जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों 20 अगस्त को सावन का आखिरी प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत का सावन के महीने में बहुत अधिक महत्व माना जाता है और प्रदोष व्रत के दिन देखिए बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, आयुष्मान और सौभाग्य योग बना हुआ है। अगर इस शुभ योग में अगर आप बेलपत्र का इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे शादी की है, संतान की है, पुत्र की है या व्यवसाय की है, अवश्य पूरी होगी। दोस्तों प्रदोष व्रत देखिए विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो अवश्य पूरी होती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसको करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। जिन भी बहनों को केवल कन्या संतान हो रही है तो उनको भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों जिस प्रकार देखिए शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी प्रकार सावन के महीने में प्रदोष व्रत का महत्व होता है और इस दिन तो बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, तो इस दिन आप बेलपत्र के इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बी एस शर्मा फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस उपाय को देखिए प्रदोष काल के समय करना है, यानी शाम को 8 बजे से पहले ही आपको इस उपाय को कर लेना है। अगर आप व्रत करते हैं तब भी, अगर आप व्रत नहीं भी करते तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय में जो आपको सामग्री लेनी है, देखिए आपको बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, भगवान शंकर के तीनों नेत्रों का प्रतीक माना जाता है और बेलपत्र हमेशा देखिए जो तीन पत्ते एक साथ होते हैं उनको एक बेलपत्र माना जाता है और बेलपत्र कभी भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और बेलपत्र देखिए कभी भी अशुद्ध या अपवित्र नहीं होता। आप दूसरे के चढ़े हुए बेलपत्र भी दोबारा धोकर चढ़ा सकते हैं। इस उपाय में देखिए आपको जो बेलपत्र लेने हैं, या तो आप 13 की संख्या में बेलपत्र लें या फिर आप अपनी उम्र के हिसाब से जितनी आपकी उम्र है उतने ही बेलपत्र लेने हैं या फिर 108 बेलपत्र ले सकते हैं। अगर 108 बेलपत्र लेते हैं तो सबसे ही श्रेष्ठ है। दोस्तों बेलपत्र को कभी भी ऐसे नहीं चढ़ाया जाता, हमेशा गंगा की मतलब जल की धार के साथ या फिर आप दूध की धार के साथ बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। तो इन बेलपत्र को आप किसी भी मतलब बर्तन में थोड़ा सा दूध ले लें, उसमें भिगो कर रख लें और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालें और साथ ही देखिए आपको इस उपाय को करने के लिए सफ़ेद या पीला चंदन लेना है और साथ ही आपको इत्र भी लेना है। आपको सफ़ेद चंदन या पीला चंदन जो आपने लिया है उसको घोल लेना है, थोड़ा सा गंगा जल और जो आपने इत्र की शीशी ली है उससे थोड़ा सा इत्र डालें और आपको एक डंडी से और जो बेलपत्र आपने दूध में भिगो रखे हैं या फिर आप थोड़ा सा दूध ले लें उसमें आप बेलपत्र को भिगो कर निकालें और डंडी से उसमें आपको लिखना है श्री राम, क्योंकि भगवान शंकर के आराध्य माने जाते हैं श्री रामचंद्र जी, या फिर आप ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं और साथ ही जब आप ये चढ़ा रहे हो तो अपनी मनोकामना भी अवश्य बोलें। साथ ही दोस्तों देखिए प्रदोष काल के समय पर ये उपाय करना है और आप घर से ही एक चौमुखा दीपक, चाहे तो आटे का हो चाहे तो मिट्टी का हो, वो ले जा सकते हैं और उसमें देखिए आप घी, अगर गाय का घी हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं या कोई सा भी घी ले सकते हैं। इन सभी सामग्री को लेकर देखिए शिव मंदिर में जाएं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप अपने घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए गणेश जी पर थोड़ा सा अगर आप पंचामृत ले गए हैं या शुद्ध जल में गंगा जल डालकर भी अभिषेक अवश्य करें। सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करें, उसके बाद शिव परिवार को और फिर उसके बाद पतली सी धार करते हुए आपको ओम नमः शिवाय कहते हुए जल अर्पित करें या पंचामृत ले गए तो पंचामृत ले जाएँ। उसके बाद देखिए आप चंदन अक्षत लगाने के बाद आपने जो बेलपत्र लिए हैं जो आपने दूध में भिगो रखे हैं उनको भिगोकर निकालें और डंडी से आपको उसके ऊपर श्री राम या ओम नमः शिवाय लिखकर साथ ही अपनी मनोकामना भी बोलें और जो चिकनी साइड जिस तरह आपने लिखा है उस तरफ से आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस तरह से आपको देखिए सारे बेलपत्र चढ़ा देने हैं। अगर आपके पास बेलपत्र कम है तो आप उन बेलपत्र जो आपने चढ़ाए हैं उनको धोकर आप फिर से दूध में भिगोकर और फिर से उस पर श्री राम या ओम नमः शिवाय लिखकर दोबारा चढ़ा सकते हैं। तो आप जितनी आपकी इच्छा है, चाहे 13 है, चाहे अपनी उम्र के हिसाब से या फिर आप 108 बेलपत्र चढ़ाएं तो सबसे ही श्रेष्ठ है। इस तरह से पूजा कर लें,
और गणेश जी को भी एक बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय लिखकर कार्तिकेय जी पर और नंदी पर भी आपको एक बेलपत्र अवश्य चढ़ाना है। दोस्तों, माता पार्वती की और भगवान शंकर की आरती अवश्य करें। आप जो चौमुखा दीपक ले गए तो उसको प्रज्वलित करें। इस तरह से धूप दीप जलाकर भगवान शंकर की आरती करें और पूजा करने के बाद आपको एक बेलपत्र वहाँ से उठा लेना है। शिवलिंग से आपको एक बेलपत्र उठा के लाना है। आरती करने के बाद नंदी के बाएं कान में अपनी मनोकामना अवश्य बोले और उनको भी मीठी वस्तु का या फल का भोग लगाएं। और इस दिन देखिए, आप किसी भी सफ़ेद मीठी वस्तु का भोग लगा सकते हैं या फिर आप चूरमा, अगर आप चूरमा बना के ले गए तो चूरमे का भोग अवश्य लगाएं। इस तरह से आप पूजा करें और एक बेलपत्र उठा लें। और साथ ही दोस्तों, पूजा करने के बाद देखिए शिवालय की तरफ अपनी पीठ ना करें, उनकी तरफ मुंह करते हुए बाहर निकलना चाहिए और अपनी मनोकामना आप अवश्य माता पार्वती से, भगवान शंकर से अवश्य बोलें। और जब बेलपत्र आपने अर्पित करे हैं उस समय पर भी आपको अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी है। दोस्तों, उस बेलपत्र को लेकर आपको रात्रि के समय जो स्त्री है उसको जिस तरफ चिकनी साइड होती है उस तरफ से रखकर सोना है। और दूसरे दिन आप किसी भी बहते हुए पानी में उसको विसर्जित कर सकते हैं या फिर अपने ही घर के किसी गमले में उसको दबा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि प्रदोष व्रत में बहुत ही सर्वसिद्ध योग बना हुआ है। अगर इस योग में अगर आप इस उपाय को करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।